हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेक्निक्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे एक टाइम मशीन के बारे में बात करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम मशीन एप्लीकेशन के बारे में, काफी कमाल का एप्लीकेशन है, आपको काफी पसंद आएगा। तो इस वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चल जाए जी कौन सा एप्लीकेशन है और इसका क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि मैं नए अपडेट करूंगा। तो हमेशा की तरह आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पर आ जाएगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है FLUXY फ्लेक्सी टाइम मशीन। जैसे ही आप उसे सर्च करेंगे तो पहला नंबर जो एप्लीकेशन आता है आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 1000 डाउनलोड हो चुके हैं, 4.7 रेटिंग आउट ऑफ 5 जो कि काफ़ी अच्छे मान जाते हैं। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर कुछ सेटिंग्स है, आपको सिंपली यहां पर सेटिंग्स पे देखिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर जो है इसे एक्सेसिबिलिटी दे देनी है। देने के बाद आप सिंपली फिर से ऐप में वापस आ जाइएगा बैक करके। तो यहां पर आप ऐप में आ चुके हैं, तो मैं पहले इस ऐप की कुछ खासियत के बारे में बता देता हूँ। तो ये ऐप बेसिकली एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, पर यहाँ पर जो है ये स्क्रीन रिकॉर्ड करता है फोटो कैप्चर करके। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो है स्क्रीन रिकॉर्डर फोटो कैप्चर होता है, पर सेकंड में एक फोटो कैप्चर होगा। नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह नहीं है ये, आपको वीडियो मोड में जो है इसी एप्लीकेशन में दिखाएगा, वरना आपको जो है इमेज में दिखाई देगी। ये सारे के सारे जो है जो वीडियो क्रिएट करेगा यानी स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा। और साथ साथ ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आपका फ्रेंड जो है आपसे मोबाइल ज़्यादा मांगकर यूज़ करता है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपसे मोबाइल मांगकर यूज़ करती है और आपको पता नहीं चलता है जो आपके फ़ोन में क्या करती है, किसको फ़ोन लगाती है या फिर किसी को जो है मैसेज करती है। तो नॉर्मली इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर जो है फ्रेंड पर वॉच रख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की एक खास बात है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में कोई पैनल नहीं दिखेगा। जी हाँ, आपको सेटिंग्स पे जाना है अगर पैनल लाना है तो। यहाँ पर देखिए शो सर्विस नोटिफिकेशन, आपको इसको ऑफ कर देना है तो आपको जो है नोटिफिकेशन बार में कोई पैनल नहीं दिखाई देगा अगर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए स्टोरेज जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर जो है ये हो रहा है। साथ साथ आप मेमोरी कार्ड के भी ऑप्शन रख सकते हैं। और एक खास बात ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो ये आपको रीसेंट एप्लीकेशन में भी नहीं दिखाई देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन की ये खास बात है, आपको रीसेंट एप्लीकेशन में भी नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए मैं देखिए यहाँ पर रीसेंट एप्लीकेशन का टैब बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रीसेंट एप्लीकेशन में जो वो ऐप नहीं है, आपको फिर से जो है ये प्ले स्टोर ही दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है ये वर्क करता है। और अगर आप जो है रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मली अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो देख सकते हैं ये रिकॉर्ड तो बता रहा है पर ये रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, बैक हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, आपको सिंपली अपने सेटिंग्स पर आ जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पर आने के बाद आप सिंपली अपने इंस्टॉल एप्लीकेशन में आ जाएगा। आने के बाद आप सिंपली फ्लक्सी एप्लीकेशन को खोजिएगा। खोजने के बाद आपको यहाँ पर सीधे अदर परमिशन में आ जाना पड़ेगा। आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पॉपअप विंडो दिया हुआ है, ये क्रॉस किया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। अगर आप ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं और रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ही, आप सैमसंग का यूज़ करते हैं, माइक्रोमैक्स का यूज़ करते हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एप्लीकेशन में दोबारा ले जाता हूँ, ओपन करता हूँ। अब मैं सिंपली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड होना जो है स्टार्ट हो चुका है, अब ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है। और स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इसको एप्लीकेशन में जाकर इसको सिंपली ऑफ कर देना है, उसके बाद आपका स्क्रीन रिकॉर्ड जो है बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ मैं प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो ही फोटो लिया है इसलिए जो है प्ले नहीं हुआ है। मैं फिर से जो है स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपसे देख ले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैं जितने भी क्रिएटिव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और नोटिफिकेशन बार में भी जो है वो नहीं दिखाई देगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुका है, अब मैं देखिए इसे प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर आपको टाइम, डेट और एग्जैक्ट टाइम भी बता देता है जो कब आपका हुआ है। और यहाँ से जो है आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं बैक फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं बैक। और साथ साथ अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे का रिकॉर्ड करें तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर
नीचे की तरफ में आप क्लिक कीजिएगा इस आइकॉन पे, तो यहाँ पर देखिए आपको सारे इमेज दिखाई देंगे जो कि आपके सेकंड वाइज क्लिक कैप्चर किए गए हैं। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली आपके लिए एक जासूसी का काम कर सकता है। टाइम मशीन इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये टाइम मशीन की तरह वर्क करता है। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।